इटावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सरकारी अधिकारियों की एक विशेष बैठक ली, जिसमें उन्होंने केंद्र द्वारा तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों से अवगत कराया कि सरकार की जो भी योजना चल रही है उनका सीधा लाभ आम जनमानस को हो। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों ने उन्हें अवगत कराया कि मैनपुरी अंडरब्रिज में बरसात के समय पानी भर जाता है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक द्वारा अवगत कराया गया है और जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद सभागार से निकलकर उन्होंने विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिले वितरित की तथा आम जनसभा में आए हुए लोगों से बात की, उनकी समस्याएं भी सुनी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी सीट खाली हो जाने पर उन्होंने कहा मैनपुरी में अब की बार कमल खिलेगा। इटावा से जिला क्राइम ब्यूरो चीफ विनित कुमार। विशेष आपने देखा है? सबसे पहले तो मैं आज जब जनपद में आया हूँ तो बहुत उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का जिसका निधन हो गया है तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात जिले की समीक्षा बैठक की शुरुआत किया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास करना है और भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक बिना भेदभाव के बिना किसी अड़चन के सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए जो सभी अधिकारी हैं उनके माध्यम से जनता की सेवा में कोई कमी न रहे, यह आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर एक बनाएंगे, तो इटावा भी हर प्रकार से नंबर एक बने, इसके लिए भी अधिकारियों को स्पष्ट तौर से निर्देशित करने के साथ ही अभी दीपावली का जो बहुत बड़ा पर्व दीप पर्व आ रहा है, इस दौरान कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो इस दृष्टि से भी सक्रियता दिखाने की जरूरत है। जनता की समस्याओं के हल करने का केंद्र ब्लॉक हो, तहसील हो, थाना हो, विकास से जुड़े हुए मामलों में लोग ब्लॉक जाते हैं, पुलिस से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के थाने जाते हैं और राजस्व से संबंधित मामलों के लिए तहसील में जाते हैं, तो यहाँ की तीनों इकाइयों को व्यापक तौर से सक्रिय करने का काम, जिससे कि जब थाना ब्लॉक तहसील में समस्याएं हल होने लगेंगी तो जिले में कम से कम समस्याएं, और जब छन करके कोई जिले में समस्या आई तो फिर जिले से अगर हल होती है तो प्रदेश में कम से कम समस्या जाएगी। तो हमारी मंशा समस्याओं का समाधान करना, समय से समाधान करना और गुणवत्तापूर्ण ढंग से समाधान करना जनपद के